विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। यहां हमेशा कांग्रेस और भाजपा के मध्य चुनावी मुकाबला देखने को मिलता है, पर इस बार इस क्षेत्र से त्रिकोणीय मुकाबला भी हुआ जिसमें कांग्रेस भाजपा के बसपा ने छक्के छुड़ा दिए, जिस मुकाबले में कांग्रेस व बसपा को हार का मुख देखना पड़ा और भाजपा की जीत हुई। जब जब इस क्षेत्र में कांग्रेस और भाजपा का सीधा मुकाबला हुआ है उसमें कांग्रेस की जीत हुई है और भाजपा को हार का मुख देखना पड़ा है। साल 2023 में 25 नवंबर को विधानसभा के चुनाव होंगे तो इस क्षेत्र में कांग्रेस एवं भाजपा के मध्य कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। भाजपा ने वैर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व सांसद बहादुर सिंह कोहली को उम्मीदवार घोषित किया है, जो भरतपुर लोकसभा क्षेत्र एवं बयाना लोकसभा क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं और वैर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। भले ही अभी कांग्रेस ने अपना इस क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस के वर्तमान PWD कैबिनेट मंत्री भजनलाल जाटव उम्मीदवार हो सकते हैं। यह साल 2015 के उपचुनाव में विधायक चुने गए थे और साल 2018 में दूसरी बार लगातार विधायक चुने गए थे। दूसरी बार विधायक चुने जाने पर भजनलाल जाटव को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी और जिसके बाद मंत्रिमंडल में हुए फेरबदल के दौरान राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री का दर्जा सौंपा गया और इन्हीं PWD विभाग सहित RSRDC निगम का अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी हासिल हुई। राज्य मंत्री बनने पर इन्हें गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, स्वतंत्र प्रभार मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, स्वतंत्र विभाग कृषि पशुपालन एवं मत्स्य विभाग की जिम्मेदारी भी हासिल हुई। जबकि भाजपा के उम्मीदवार बहादुर सिंह कोहली साल 1999 में बयाना लोकसभा क्षेत्र से तथा 2014 में भरतपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए। इन्होंने साल 2014 में भरतपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर सुरेश जाटव, जो 2,45,478 मतों से हराया गया था, और साल 1999 में बयाना लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के जगन्नाथ पहाड़िया को 23,332 मतों से हराया था और यह वैर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं। वैर विधानसभा क्षेत्र में वैर उपखंड की 25, भुसावर उपखंड की 24 और बयाना उपखंड की 16 ग्राम पंचायतें लगती हैं और इस क्षेत्र में जाटव, जाट, गुर्जर, धाकड़, मीणा, माली समाज के सर्वाधिक मतदाता है। इसके अलावा वैश्य, ब्राह्मण, कोली, खट्टे का आदि समाज के भी मतदाता हैं। इन क्षेत्र की हार जीत दलित और OBC मतदाताओं पर सुनिश्चित है, जिसमें जाट, जाटव, धाकड़, माली आदि समाज के वोट निर्णायक रहते हैं। वहीं वैश्य, ब्राह्मण, मीणा आदि समाज के भी महत्वपूर्ण वोट समझे जाते हैं। भाजपा ने इस बार पूर्व सांसद बहादुर सिंह कोहली को चुनावी मैदान में उतारा है। शायद इनका विधानसभा चुनाव में कैबिनेट मंत्री भजनलाल जाटव से मुकाबला होने की संभावना है। कांग्रेस विधानसभा चुनाव में विकास कार्यों को लेकर मतदाताओं के मध्य पहुंचेगी और विकास के नाम पर ही वोट मांगेगी। वहीं भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर मतदाताओं से वोट मांग रही है। सतीश सारस्वत की रिपोर्ट।